फ्रेंड्स वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑन हीट एक्सचेंजर। फ्रेंड्स अपने लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने दो तरीके के हीट एक्सचेंजर्स के बारे में डिस्कस किया था डिपेंडिंग ऑन देयर डिजाइंस। इसमें एक था बेसिकली सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर और एक था डबल पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। अदर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन हम आज अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स अपने लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने अगर आप ये क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन तो हमने डबल पाइप हीट एक्सचेंजर और सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर कवर कर लिया। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम आगे के जितने भी बचे हुए क्लासिफिकेशन हैं वो कवर करेंगे जिसमें है मेरा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, यूट्यूब बंडल, फिन टाइप, केटल रिबॉयलर एंड स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स वन बाय वन हम एक एक हीट एक्सचेंजर कवर करते हुए चलेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स अगर आप प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर देखेंगे तो इसमें बेसिकली एक के बाद एक आपकी प्लेट्स लगी हुई रहती हैं। इसमें जो आपका हॉट और कोल्ड फ्लूइड है वो अल्टरनेट प्लेट्स के बीच की एरिया में ट्रेवल करता है। पहले दो प्लेट्स की जो एरिया है उसमें आपका हॉट फ्लूइड अगर जा रहा है तो दूसरे और तीसरे प्लेट के बीच के एरिया में आपका कोल्ड फ्लूइड जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो मान लीजिए इन दो फ्लूइड्स के बीच में आपका हॉट फ्लूइड जा रहा है तो आगे के दो प्लेट्स के बीच में आपका कोल्ड फ्लूइड जाएगा। आगे की जो दो प्लेट्स हैं वहां पे फिर हॉट फ्लूइड आएगा, आगे की दो प्लेट्स के बीच में फिर कोल्ड फ्लूइड जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के केस में हमेशा याद रखिए कि सीरीज ऑफ प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है, एक के बाद एक करके प्लेट्स लगी हुई रहती हैं और अल्टरनेट प्लेट्स के बीच में फ्रेंड्स अल्टरनेट यूटिलिटीज प्ले करती हैं। पहली दो प्लेट्स के बीच में अगर हॉट वाटर है तो अगली दो के बीच में कोल्ड वाटर होगा, उसके अगली दो के बीच में अगेन हॉट वाटर आएगा, उसके आगे की दो प्लेट्स के बीच में अगेन कोल्ड वाटर आएगा। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता है। ज्यादा समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आपको मोशन दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड आपका मूव करता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि बेसिकली प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज क्यों किए जाते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है। सो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बिकॉज आपकी पतली पतली प्लेट्स रहती हैं तो ये काफी कॉम्पैक्ट साइज होता है। आपके ये फ्लोर के हिसाब से आप देखें तो बहुत ही कम स्पेस लेता है, इसके अक्रॉस होने वाला प्रेशर ड्रॉप काफी कम होता है और इसमें इंटरनल लीकेजेस होने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसे खोलना काफी आसान रहता है, इट हैज हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स इसके केस में आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट काफी ज्यादा मिलता है और जो आपके भी फ्लूइड हैं उन्हें काफी लार्जर एरिया का एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज आपका पूरा का पूरा जो प्लेट है उसके ऊपर एक फ्लूइड मूव करता है और अगला फ्लूइड पूरे की पूरी प्लेट्स के बीच में अगेन मूव कर रहा है, तो जो कॉन्टैक्ट एरिया दोनों के बीच में आ रहा है वो एरिया काफी ज्यादा हो जाता है। मीन्स फिजिकली कम स्पेस में आपको ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिलता है, लो कॉस्ट पर यूनिट एरिया। अगर फ्रेंड्स हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो अगर इसमें लीकेज हो जाता है तो लीकेज को आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता है। सेकेंड, बॉन्डिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स लिमिट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जो इन प्लेट्स के बीच में बॉन्डिंग मटेरियल होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में, वो हमारी ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑपरेटिंग टेम्परेचर को डिसाइड करता है, बिकॉज अगर वो मटेरियल आपका कंपेटिबल नहीं होगा तो आपका हीट एक्सचेंजर वहां से लीक कर जाएगा। थर्ड, अगर हम कंपेयर करें ट्यूब टाइप के केस में तो इसका प्रेशर ड्रॉप उसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है। एंड फ्रेंड्स लास्ट वन, इसकी डिसमेंटलिंग जो है और असेंबलिंग के टाइम काफी ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ प्रिंसिपल। प्लेट्स होती हैं, एक सीरीज ऑफ प्लेट्स होती हैं, पहली प्लेट्स दो प्लेट्स के बीच में अगर हॉट फ्लूइड है तो अगली दो के बीच में कोल्ड फ्लूइड, फिर अगली दो के बीच में हॉट, फिर अगली दो के बीच कोल्ड, तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्लेट्स के बीच में एक बार अगर हॉट फ्लूइड जा रहा है तो अगली दो प्लेट्स के बीच में कोल्ड फ्लूइड। इस तरीके से हमें काफी कम एरिया में मीन्स काफी कम स्पेस में हमें काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मिलता है। सो फ्रेंड्स ये होता है बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करते हैं यूट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर। इस केस में फ्रेंड्स आप देखिए यहां से हमारा फ्लूइड इनलेट किया और ये हमारा फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा इस तरीके से फ्लूइड मूव करता 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 यहां से ये मेरा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहां से मेरा फ्लूइड जो है वो फ्लूइड मेरा बाहर चला गया। सो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली ये जो ये देख रहे हैं ये पूरा ये जो ये ट्यूब का बंडल है ये इस सरफेस पे बिल्कुल अटैच रहता है, ये बाहर का एक
आपका सक्शन का पॉइंट बना हुआ है, यहां से लिक्विड इन होगा, इसके बाद में ये पूरा का पूरा यूट्यूब बंडल इस सरफेस से अटैच रहता है, यहां से फ्लूइड एंटर किया, इस पूरे यूट्यूब के थ्रू पास करता हुआ यहां से बाहर निकल जाता है, और सेल साइड का लिक्विड यहां से एंटर किया और इधर से मूव करता करता, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेल साइड का लिक्विड है, ये यहां से आ रहा है, ये अपना सेल साइड में मूव कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मूवमेंट इस तरीके से रहता है, ये आया और यहां से ये आपका एग्जिट कर गया। सो फ्रेंड्स, सेल साइड वाला मटेरियल अपना आया सेल साइड से और एंटर कर गया और आपका एग्जिट कर गया। ट्यूब साइड का मटेरियल, बेसिकली ट्यूब बंडल होता है इसमें, यू ट्यूब के शेप का एक बंडल होता है, उस पूरे के पूरे बंडल को हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्यूब्स के। फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज क्या होता है, आई थिंक अब आपको वो क्लियर हो गया होगा कि आपका ट्यूब टाइप, नॉर्मल सेल एंड ट्यूब टाइप एंड यूट्यूब बंडल में डिफरेंस क्या है। इसके केस में ये जो पूरा का पूरा ट्यूब का देख रहे हैं यूट्यूब, ये देखिए इसका शेप यू का है, इसीलिए इसे यूट्यूब बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा बंडल इस सरफेस से अटैच्ड होता है फ्रेंड्स, जो आपको उसके केस में सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें दोनों तरफ आपके डोम्स रहते हैं। सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपके डोम्स होते हैं, और जो ट्यूब्स होते हैं वो किसी भी सरफेस पे पूरे के पूरे जुड़े हुए नहीं होते हैं। इस केस में फ्रेंड्स ये सरफेस से पूरा अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूट्यूब बंडल। फ्रेंड्स, ऐसे हीट एक्सचेंजर्स का बेसिकली यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमारे टेम्परेचर वेरिएशंस काफी ज्यादा रहते हैं, और जहां पे आपका जो मींस थर्मल एक्सपेंशन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल हम हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे और हम अलग अलग टेम्परेचर पैरामीटर्स पे काफी वाइड रेंज में अगर उसको ऑपरेट करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से पूरा का पूरा हीट एक्सचेंजर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी सारी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम यूट्यूब बंडल टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन ट्यूब्स आर हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेट्स, दे अलाउ थर्मल एक्सपेंशन विदाउट पुटिंग रिस्क रेस्ट ऑफ द हीट एक्सचेंजर। सो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करते हैं ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर्स की। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि बेसिकली हम इनको वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरे हाईली कोरोजिव फ्लूइड्स होते हैं, जिनके साथ में आपका एसएस और अदर आपके मेटल्स जो होते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपका क्या रहते हैं, ग्रेफाइट के छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें ग्रेफाइट के आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं और उनके बीच में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि वो आपका बेसिकली एक साइड में आपका मींस, अगर आप मान लीजिए वो ब्लॉक्स के बीच होल्स का ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि एक तरफ के होल्स में आपका कोल्ड में हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा तो दूसरे तरफ के होल्स में आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा। फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर के केस में ग्रेफाइट के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को बेसिकली इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि एक तरफ के होल्स में, लाइक मान लीजिए आपका इस तरीके का सरफेस है तो जो टॉप वाले होल्स हैं इनमें अगर आपका हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इस साइड वाले जो होल्स हैं, फ्रेंड्स मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये ब्लॉक में टॉप वाले जो होल्स हैं उसमें मेरा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये जो साइड वाले होल्स होंगे उसमें मेरा कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको ग्रेफाइट टाइप ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इट इज हाई रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इट हैज गुड टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो, इसके केस में प्रेशर ड्रॉ काफी कम मिलता है, और ग्रेफाइट के एक और अच्छी क्वालिटी है कि इसका जो नेचर है वो किसी भी मटेरियल को जल्दी कंटेमिनेट नहीं करता है, एंड इसके केस में फ्रेंड्स जो हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर एरिया है वो हमें काफी अच्छा मिलता है बिकॉज इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एसएस। अगर फ्रेंड्स हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये मेरा काफी ज्यादा पोरस नेचर का रहता है जिसकी वजह से कई बार ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड, अगर सडन आपके इमीडिएट अगर इसमें जर्क्स आते हैं, चाहे वो जर्क आपके कूलिंग वाटर की वजह से हो या फिर बाहर से किसी ने अगर एक जर्क दे दिया लाइक हैमरिंग जैसा कुछ हो गया तो आपके ये ब्लॉक्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ग्रेफाइट टाइप ब्लॉक हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। फ्रेंड्स, फिन टाइप हीट एक्सचेंजर बेसिकली आपके नॉर्मल हीट एक्सचेंजर्स होते हैं बट इनमें बाहर हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करने के लिए आपकी फिन्स दे दी जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर आपके ये जो एक्सटेंडेड सरफेस दिए हुए हैं ये आपके फिन्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, फिन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज होता है इट हैज एन इनक्रेडिबल इंक्रीज इन आउटर सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब।
जो आपके ट्यूब्स का आउटर सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है बिकॉज हमने फिंस प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट वन, हाई हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। इसके केस में आपकी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। 5 times लाइटर इन वेट देन सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसका जो वेट होता है वो सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कंपैरिजन में 5 गुना कम होता है फ्रेंड्स, इसलिए भी हम इसे प्रेफर करते हैं। एंड इट इज एबल टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। ये आपका हाई प्रेशर भी विदस्टैंड कर सकता है। अब फ्रेंड्स इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ ट्यूब्स इज टिपिकल। सेकेंड, आउटर ये जो सर्फेसेज हैं इनके बीच में क्लॉगिंग होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, फिन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर को बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको हाई हीट ट्रांसफर मींस आउटर सर्फेस से हमें हाई हीट ट्रांसफर रेट चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको फिन टाइप ट्यूब हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं केटल रिबॉयलर हीट एक्सचेंजर। फ्रेंड्स ये बेसिकली आप सबने मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, जिसने भी नहीं देखा है उसको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स इस डायग्राम को गौर करके आप देखिए, केटल रिबॉयलर हीट एक्सचेंजर बेसिकली इस तरीके का होता है। इसमें आपका क्या रहता है ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी ये ट्यूब्स हैं, यहाँ से आप स्टीम देते हैं तो ये स्टीम आपकी यहाँ पे आई और कंडेंसेट आपने यहाँ से निकाल दिया। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका लिक्विड से भरा हुआ रहता है। लिक्विड मीन्स जिसको भी आपको बॉयल ऑफ करना है ये उससे भरा हुआ रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फीड लिक्विड की इनलेट लाइन है, वो यहाँ पे आया, इसके बाद में वो स्टीम की वजह से हीट हुआ, इसके वेपर्स बने और फ्रेंड्स जो भी आपका मींस जो भी आपके वेपर्स बने वो आपके डिस्टिलेशन टावर की तरफ, ये देखिए ऊपर वेपर की लाइन दी है, वो आपके डिस्टिलेशन टावर की तरफ चले गए। लेकिन फ्रेंड्स जो आपके हैवीज हुए वो हैवीज बेसिकली यहाँ डिपोजिट होते रहते हैं, डिपोजिट होते रहते हैं और ओवरफ्लो होके इस तरफ प्लेट के इस तरफ आते हैं। ये आपकी एक सेपरेशन की प्लेट दी हुई है, इसको हम ओवरफ्लो वियर प्लेट बोलते हैं। ये इससे ओवरफ्लो होके इधर से बॉटम से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, जिसने आज तक नहीं देखा है वो कायदे से समझिएगा। फ्रेंड्स बेसिक कंस्ट्रक्शन इस तरीके का रहता है आपका केटल टाइप रिबॉलर का। यहां पे आपकी ट्यूब्स लगी हुई हैं फ्रेंड्स, यहां से आपकी स्टीम इन की स्टीम इन ट्यूब्स में आएगी और यहां से कंडेंसेट बाहर निकल जाएगा। यहां पे आपका जो भी लिक्विड है जो आपको बॉयल करना है वो यहां पे भरा हुआ है, वो लिक्विड इसके स्टीम के कॉन्टेक्ट में आया और उसने उस मटेरियल को बॉयल ऑफ किया। अब बॉल ऑफ होने पे फ्रेंड्स क्या होगा, आपके जो भी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ वो ऊपर से निकल जाएगा और जो हैवीज बनते हैं, बिकॉज कभी भी आप किसी मटेरियल को बॉयल करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हाई बॉयलर्स जो होते हैं वो हैवीज फॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स वो हैवीज आपके यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे और बीच में ये ओवरफ्लो वियर दिया है। जब वो हैवीज आपके सफिशियंट अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये इस ओवरफ्लो वियर से इस दूसरी तरफ आते रहेंगे और यहाँ से हम उसे बॉटम प्रोडक्ट के फॉर्म में ड्रेन करके बाहर निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इट इज सिंपल एंड रिलायबल। लिक्विड फ्रॉम बॉटम ऑफ टावर इज कॉल्ड बॉटम्स, जो मैंने आपको भी समझाया। ओवरफ्लो वियर सेपरेटिंग ट्यूब, ये आपका ओवरफ्लो वियर है जो ट्यूब्स को इस पार्ट से सेपरेट आउट करता है। दे कैन हैंडल वेपराइजेशन अप टू 80%, इसमें हम 80% तक वेपराइजेशन इजिली हैंडल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपका केटल टाइप रिबॉलर का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज कंफर्म दोबारा कीजिएगा। फाइनली फ्रेंड हम बात करते हैं लास्ट स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर की। फ्रेंड्स इस केस में आप देखिए, ये देखिए आपके इस तरीके की सर्फेसेज रहते हैं स्पाइरल जैसे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे स्पाइरल सर्फेसेज रहते हैं, एक में आपका हॉट फ्लूइड ट्रेवल करता है तो एक सर्फेस में आपका कोल्ड फ्लूइड ट्रेवल करता है। फ्रेंड्स इसमें दोबारा समझाता हूँ, स्पाइरल तरीके का शेप रहता है, ये देखिए ऐसा स्पाइरल शेप रहता है। एक में आपका अगर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो दूसरे में आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, दोनों आपके ये सरफेस के टच में आ रहे हैं और हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर फ्रेंड्स हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज इजी टू क्लीन, हाई ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है इसके केस में। इसके केस में ट्रू कोकरेंट इज पॉसिबल इन स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर। इसके केस में ट्रू कोकरेंट का जो फेनोमेना है वो बेसिकली पॉसिबल होता है बिकॉज दोनों चीजें आप सेम जगह से एंटर कर सकते हैं और सेम जगह से निकाल सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की फ्रेंड हम बात करते हैं तो हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिमिट यूज ऑफ सच टाइप। जहां पे हमें हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चाहिए वहां पे ये मेरा लिमिट कर जाता है बिकॉज इसको हायर फ्लो रेट्स पे नहीं यूज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स होप आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इवन अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स
नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपका जो हीट एक्सचेंजर है उसका बेसिकली हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि आपको हीट एक्सचेंजर बेसिकली एक सेलेक्ट करना है तो उसका एरिया हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हीट एक्सचेंजर किस एरिया का हमें लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा पॉसिबल उतना ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।